सामने बरेड महंगिया ने गड्डिया कास्ट पलेटा मूहरा ने छड़िया चौड़े चौड़े रिम धरती नू नाप दे माफ कीजिए साहब, अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो मुझे अगले गांव तक छोड़ दोगे? क्यों भाई, तुम्हारे पास बुग्गी वुग्गी नहीं है क्या? और इस कट्टे में क्या ले रहे हो, खलिया चूरी? भाई लगता है इन देसियों के पर निकल आए हैं, साइकिल पे चलने की औकात नहीं और इनको हमारी गाड़ी में बैठना है। भाई यार कहां तू, इस देसी गवार के चक्कर में पड़ रहा। चल यार तू। देखो आप चिंता मत करो, ये जो आम जितने भी बाग में लगे हुए हैं कल सुबह मंडी में पहुंचा देंगे। ठीक है शर्मा जी, हम तो ठेकेदार ये कहने साहब से मिलना आए थे और अब हम दोनों ने सोचा है क्यों ना सुबह यहाँ से शहर के लिए निकले। अरे तो अच्छी बात है, एक काम करते हैं, आपका रात का रुकने का इंतजाम हम यहीं करवा देंगे। अरे थैंक यू सो मच शर्मा जी। और भाई गरीब क्या बात है, आज फिर सड़क के किनारे बैठ के भीख मांगने। अब भाई इस कट्टे से अच्छा तो एक कटोरा ले ले हाथ में, कम से कम कोई दो पैसे तो देगा भीख में। और उन दो पैसों में ना साइकिल लिए साइकिल, क्योंकि गाड़ी की तो तेरी औकात नहीं है। तुम कब तक मुझे मेरे कपड़ों से जज करते रहोगे? क्या तुमने कभी किसी देसी को देखा है खेत में कोट पैंट पहन कर जाते हुए? सब ऐसे ही कपड़े पहन के खेत में जाते हैं। और तुम्हें इस कार पे बड़ा घमंड है ना, बहुत कार कार करते हो। चलो दिखाऊं तुम्हें तुम्हारी औकात, औकात देखेगा। अब बताओ तुम्हारी औकात है इनमें से किसी में बैठने की? और तू क्या कह रहा था, इस कट्टे में खलचूरी है? लग तुझे दिखाऊं इस कट्टे में क्या है, देख। जितने की तुम्हारी कार है ना, इतने तो हम देसी हवा में उड़ा दिया करें। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके है ना टॉप पे पहुंचा दो, ताकि हर किसी को पता चल जा देसी ऑलवेज ऑन टॉप।